इस वाली क्लास की स्टोरी सुनाता हूँ मैं। ये वाली थी सेवेंथ क्लास हमारी। तो सुन तो सही मेरी बात, इतनी शोर कर रहे थे ना क्लास। हमारी मैम थी हिंदी वाली मैम, वो बहुत अच्छी थी, मतलब ज़्यादा नहीं बोलते थे। तो अमनप्रीत और मैं ना दरवाज़ा ऐसे खुलता था, इसके पीछे छुप गए। हमने सोचा हाँ हाँ, तो हमने सोचा कि मतलब मैम आएगी ना ऐसे पकड़ तो हम पढ़ाएंगे ऐसे वो करके पीछे को, और इतनी शोर कर रही थी क्लास ना। और बाद में मीनाक्षी मैम आ गई जो हमारी प्रिंसिपल मैम थी, और वो बहुत स्ट्रिक्ट थी, इतना मारते थे। और वो सीधे चले गए अंदर, उनको नहीं पता लगे पीछे, और अमनप्रीत आगे था मैं पीछे था। तो फिर मतलब सीधे बाहर कर निकल के, तो मैम को लगा कि बाहर से है, और ना मेरे लिए कंट्रोल ही नहीं हो रही थी हंसी, और मेरे को हंसी आ गई बहुत जोर की, और मैम बोलती मैं मजाक कर रही, और इतनी जोर जोर से जो लाख करते थे। एक बार मैम हिंदी वाली मैम गई सीट के नीचे, पिन उस अमनप्रीत ने मेरे को बोला कि ये पिन रख देना, और मैंने रख दिया, और मैं आपको पता भी लगा कि मैंने रखी है। और फिर जब हमारा फेवरेट था तो हमने वो नाटक में दिखाया था यार, बहुत मजे किया। अब नई लाइब्रेरी हमारी नहीं पढ़ी, यहाँ बच्चे होते थे, बच्चों को देख जब टीचर्स मीटिंग होती थी तो हमको बोलते थे ये वो करो। देखिए कितनी सुंदर जगह पर था हमारा स्कूल, था नहीं है। हम बहुत मजे करते थे। हाँ, अनीता मैम ले जाती थी ना, और मेरे को याद है मैंने अपना नाम लिखा था। मैंने भी लिखे परली तरफ लिखे है, उनको याद है मैंने बहुत जगह। ये बहुत ही सुहाने दिन थे हमारी, ऐसी जगह पे जहाँ पे हमको कभी ले जाते थे, जब हम वहाँ जाते थे हम बहुत खुश होते थे। साइंस लैब, अरे चेंज कर दिया अंदर देखो। हाँ, बीच में ये नहीं लगा होता था जो ये बीच में लगा है ना। ये हमारी सिक्स क्लास थी, सिक्स क्लास में हम यहाँ पढ़ते थे, सिक्स के बाद हम सेवन्थ उधर, और फिफ्थ क्लास वो थी। इस क्लास में नहीं पढ़े हम, नहीं इसमें नहीं पढ़े, मेरे को याद है ये थी हमारी फिफ्थ क्लास। ये मेरी बेस्ट क्लास थी, मेरी बेस्ट क्लास ये थी, क्योंकि यहाँ पर मेरी फेवरेट मैम अर्चना मैम और सुवर्णा मैम होती थी। उन्होंने हमको एक बार कैसे दिखाया था। और सिक्स क्लास पता क्या है, सिक्स क्लास वो क्लास है जिस क्लास में मेरे को बार खड़ाया है, सुवर्णा मैम ने उन्होंने हमारी बुक्स ऐसे फेंक दी थी, ये हंस रही थी। और हमको जितनी भी क्लास, मतलब उनकी तीन बार होती थी क्लास थी। उस दिन में और सृष्टि से मैंने सृष्टि को शार्प कर दी, और वो शार्प करने के लिए अपनी पेंसिल को शार्प कर ली थी, बस इस बात के पीछे मैम ने उनको बाहर निकाल दिया। और मैम ने ऐसे बुक्स फेंक के निकाला था। और जब भी उनकी क्लास होती, मतलब तीन वो इंग्लिश ग्रामर पढ़ाते थे, तो तीन दिन वीक के इंग्लिश लिटरेचर की क्लासेज थे, तीन दिन ग्रामर की। और जब भी उनकी क्लास होती थी वो हमको यहाँ बिठाते थे ऐसे करके, कहाँ पे बैठो ऐसे करके बैठते थे। इतना मजा आता। और इस क्लास में तुम्हें इतना बाहर खड़ी हुई, और ये हमारे फेवरेट सर मिस्टर भोदराज, और ये हमारे विनोद सर, और ये हमारी ममता मैम। हाँ, हमारी बेस्ट।
जाते हैं जहाँ पे हमारा स्पोर्ट्स डे मनाया जाता था और जहाँ पे अपना गेम पीरियड में जाते थे और बॉयज को तंग करते थे, क्रिकेट खेलने नहीं देते थे। आओ आपको ले चल रहे हम। देखो बॉयज वॉशरूम के बारे में क्यों सफाई का विषय कह रही हूँ, क्योंकि बॉयज सफाई नहीं रखते हैं। जो कुछ भी है। एक बार मैं सुसु कर रहा था, मैंने अपनी बॉटल यहाँ पर रखी ना, एक बच्चा है उसने लात मार के जानबूझ के फेंकी, वो आर एन देव था ना। और इनको पता क्या करते हैं, इनको तो ये तो बोल रहा है कि ना वॉशरूम इतनी गंदी गंदम चलते हैं, मैम ने बोला कि मैं कैमरा लगा दूंगी तुम्हारे वॉशरूम में। देखो शर्मा एक मैंने नहीं किया। और क्या बोल रहा था हम ना मॉर्निंग वॉक में आते थे कई बार सुबह सुबह, मैं श्वेता रितिका, और श्वेता हमको मनगढ़ंत कहानियाँ सुनाती थी कि यहाँ पर चुड़ैल होती, वैसे होती भी होगी पर मेरे को बहुत डर लगता था कि खाली स्कूलों में ना चुड़ैलें होती है, वो क्या होते हैं अब हम स्कूल में आए हैं तो हम कबड्डी खेलेंगे जो हमारा फेवरेट स्पोर्ट हुआ करता है, उघाटा करेंगे पहले, जल्दी आप उघाटा करें। वी होप आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया। स्कूल का स्कूल की यादें बहुत ही अच्छी होती है और स्कूल के बेस्ट डेज। तरुणा कुछ बोलोगी? और यहाँ के हमारी पुरानी यादें ताज़ा हो गई कि हम कितने मजे करते थे। हाँ, और ये हमारी जूनियर हुआ करती थी और हम तो क्या हुआ रहती तो मैं साथ में ये बाय, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर।